हेलो एवरीवन। सो गाइस, कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं जो मैंने क्लास 7 चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स उससे निकाले हैं। फाइन गाइस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला लिखा हुआ है फाउंड टू बी। आखिर हम इस्तेमाल कैसे करेंगे फाउंड टू बी का, चलिए टाइप किया जाए। गाइस देखिए, ये जो फाउंड है ना, आपको ये तो पता है कि फाइंड से बना फाउंड, यानी कि फाइंड का सेकेंड फॉर्म हो गया आपका, ऐसे कर देते हैं, फाइंड का सेकेंड फॉर्म हो गया फाउंड, थर्ड फॉर्म भी हो गया फाउंड। तो यहाँ पर हम जो फाउंड बोलेंगे तो हम किसी सब्जेक्ट को उठाएंगे। मान लीजिए हमने ही लगाया, अगर मैं पास्ट में बात करूँगा तो ही के साथ मुझे वॉज करना पड़ेगा कि ही वॉज, और मैंने बोल दिया फाउंड, ही वॉज फाउंड। है ये पैसिव, ये है पैसिव गाइस। ओके, मजा नहीं आ रहा चश्मे से। ये है पैसिव, ही वॉज फाउंड यानी कि उसको पाया गया। अगर इसकी हिंदी करें तो उसको पाया गया, ही वॉज फाउंड। ओके, अगर आप किसी भी टेंस में कर दो, अगर मैं बोलूँ कि मैं इज कर दूँ कि ही इज फाउंड, उसको पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो ही नाम का व्यक्ति है ये डूअर नहीं है, ये नॉन डूअर है। ही नाम के व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, ही नाम के व्यक्ति को किसी के द्वारा पाया गया। अब यहाँ तक तो ठीक है कि ही वॉज फाउंड, उसको पाया गया, उसको क्या करता हुआ पाया गया, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं बोलूँ कि ही वॉज फाउंड, एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा मैं बोलूँ कि ही वॉज स्लैपिंग अ बॉय, ये दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज स्लैपिंग अ बॉय, यानी कि वो किसी लड़के को थप्पड़ मार रहा था, चाटा मार रहा था, वो खाना खा रहा था, कुछ भी। तो उसको पाया गया क्या करते हुए, किसी लड़के को थप्पड़ मारते हुए। तो ये जो दो टुकड़े हैं ना, इनको हमें एक कर देना है। अब एक करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होगा, ऐसे होगा, मैं बोलूँगा कि ही वॉज फाउंड, यहाँ पर बस टू और बी लगा देना, ही वॉज फाउंड टू बी, और बी के बाद आपको आई एन जी लगा देना, he was found to be क्या, slapping a boy। मतलब कि हमारी अंग्रेजी जो है वो बचकाने जो सेंटेंसेज होते हैं ना, उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने के लिए, आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पर अंग्रेजी जब आप बोलेंगे ना तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। तो ही वॉज फाउंड टू बी स्लैपिंग अ बॉय, करेक्ट इंग्लिश है, यानी कि उसको पाया गया किसी लड़के को थप्पड़ मारते। जिसको ये नहीं पता होगा वो भी तो अंग्रेजी बोलेगा ना, वो कैसे बोलेगा, वो पूरी स्टोरी टेलिंग करेगा, यू नो यस्टरडे, यू नो आई वेंट देयर एंड आई सॉ दैट देयर वाज अ गाय एंड ही वाज स्लैपिंग अ बॉय, वो भी अपना जुगाड़ कर लेगा। हालांकि भी अंग्रेजी गलत नहीं है, बट न्यूज़पेपर में, नॉवेल्स में, अच्छे अच्छे जगह जहाँ पर रिटन इंग्लिश हो ऐसे बोला जाता है, ही वॉज फाउंड टू बी, फिर कुछ भी करता होगा। और देख लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि दैट गर्ल was found to be abusing someone, इसका क्या मतलब है? That girl, यहाँ पर ये जो लड़की है, इस लड़की को पाया गया, किसी ने इसको देखा होगा, okay? तो that girl was found, ठीक है। उसके बाद यही लड़की क्या कर रही थी, तो abuse कर रही थी किसी को। अगर आप ध्यान से देखो तो इस दोनों को जो complex हमने कर दिया है, मिला दिया है, इसमें हुआ क्या, एक जगह ये जो लड़की है, एक जगह ये doer नहीं है, दैट गर्ल वॉज फाउंड, यहाँ पर वॉज फाउंड तक ये डूअर नहीं है, कुछ कर नहीं रही है, इसको पाया गया मतलब किसी ने इसको देखा। अब यहाँ पर एब्यूज़ कौन कर रहा है, ये लड़की कर रही है, यहाँ पर ये डूअर है। तो एक ही सेंटेंस में एक बार डूअर नहीं भी, एक बार डूअर है भी, कितना बेहतरीन है ना। दैट गर्ल वॉज फाउंड टू बी एब्यूजिंग समवन। अच्छा, ये जो टू बी का जो खेल है, कई लोग समझते नहीं हैं टू बी, पहले आप बता दूँ, टू बी बहुत बेहतरीन आइटम है। जब भी आप बी लगाते हैं तो बी कहता है कि भाई मेरे बाद, मेरे ठीक बगल में क्या क्या अलाउड है, कौन कौन मेरे बगल में बैठ सकता है, ठीक है, कौन कौन बैठ सकता है। बी के तुरंत बाद हम लगा सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, इसका मतलब है नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि टू बी अ डॉक्टर, तो यहाँ पर आप देखें कि बी के बगल में हमने अ डॉक्टर बोला है, क्या ये अ डॉक्टर कोई एक्शन है, जी नहीं, एक्शन नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कमरे में हूँ, छत पर हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, वो मेरे साथ है, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें कोई एक्शन नहीं। तो टू बी अ डॉक्टर, उसी तरह के तरीके से मैं बोलूँ कि टू बी इन द रूम, तो यहाँ पर जो इन द रूम आप देख रहे हैं, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आप देख रहे हैं, इन द रूम क्या दिखा रहा है, एक लोकेशन को दिखा रहा है, एक जगह को दिखा रहा है।
तो बी के बाद हम स्टेट ऑफ बीइंग लगा सकते हैं, फुली अलाउड है। उसके बाद हम बी के साथ क्या कर सकते हैं भाई, तो बी के साथ हम जरन लगा सकते हैं, यानी कि वर्ब लगाएंगे, वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, ये भी अलाउड है। देख लीजिए, हम ऐसे कह सकते हैं कि टू बी ईटिंग बिल्कुल अलाउड है, टू बी ईटिंग, टू बी ईटिंग का मतलब है, अब इसके इधर जो सेंटेंस होगा उससे पता चलेगा, यहां पर टू बी ईटिंग का मतलब है कि कोई ईटिंग का प्रोसेस चल रहा है कि चल रहा था, ये तो भैया उधर जो इसके बगल में जो सेंटेंस होगा ना उससे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट का है कि वो पास्ट का है। हम खाली टू बी ईटिंग से ये कह नहीं पाएंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर, ये मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इसके बगल में तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो टू बी ईटिंग से इतना तो पता चल रहा है कि अच्छा ईटिंग का प्रोसेस, कंटिन्यूटी की बात हो रही, कुछ खाने का प्रोसेस अब या तो चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, वो तो बात की बात है। तो आईएनजी भी बनता है, जिस तरीके से आपने देखा, जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ही सीम्स लगा दूं, ही सीम्स टू बी ईटिंग, अगर मैं ऐसे कर दूं तो इस सीम्स से हमें पता चल गया अच्छा प्रेजेंट की बात हो रही है, क्योंकि एस लगा हुआ है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, सीम को हम सीमिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब इसकी हिंदी हम क्या समझेंगे, तो इसकी हिंदी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी समझ सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी समझ सकते हैं, दोनों अलाउड, क्योंकि आईएनजी हम लगा नहीं सकते। तो ही सीम्स टू बी ईटिंग मतलब उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है भी बोल सकते हैं, और प्रतीत होता है भी बोल सकते हैं, दोनों अलाउड है जी। तो ही सीम्स यानी कि उसको देखकर ऐसा लगता है या लग रहा है टू बी ईटिंग कि वो खा रहा है, तो यहाँ पर टू बी ईटिंग प्रेजेंट की फीलिंग देने लगा ना। तो ये प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा ये टू बी ईटिंग पर निर्भर नहीं करेगा, ये निर्भर करेगा जी इधर वाले पे, समझ रहे ना। इसीलिए ये जो टू बी वगैरह आपको पता है ये सब नॉन फाइनाइट में कहलाते हैं, जो इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट है, इनका कोई मतलब नहीं है कि ये किस टेंस का है, सारा मतलब बगल वाले का होता है, ये तो चुप होते हैं, आप तो हमें किसी भी टेंस में यूज़ कर लो। जैसे आप, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ही वांट्स टू गो, मैं ऐसे बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ही वांटेड टू गो, अब यहाँ पर इस टू गो को फर्क नहीं पड़ता है, ये जो टू गो आप यहाँ पर देख रहे हैं, टू गो बेचारे को कोई मतलब नहीं है कि भैया कि तुम किस टेंस में मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, तो हर जगह यूज होने को तैयार है, और ये कोई अपना मतलब भी नहीं रखते। टू गो सिर्फ टू गो देख करके कोई ये बता ही नहीं सकता है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, क्योंकि इनको नॉन फाइनाइट कहा जाता है, समझ में आ रहा है। आप नाम में ना जाएं, ग्रामर उलझाएगा, आप इतना समझ लें कि इनके बगल में ये जो वांट्स है ना, ये वांट्स ये तय कर रहा है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, इसको कलर कर दूं, ये जो वांटेड है ये तय कर रहा है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, वांटेड है तो पास्ट हो गया, ही वांटेड वो चाहता था टू गो, जाना, वो जाना चाहता था। हाँ, हिंदी मीडियम वाले इसकी अपनी हिंदी निकाल लेते हैं, ना पे ख़त्म करवा ही लेते हैं कि टू गो मतलब जाना, टू ईट मतलब खाना, हिंदी में बड़ा अच्छा ये फ़ायदा तो मैंने देखा है, बाकी आप किसी भाषा में सोचें। तो मैं जो कहना चाह रहा था, मैं शायद समझा पाया होऊंगा कि चाहे वो टू बी ईटिंग हो चाहे वो टू गो हो, इनको देखकर आप ये नहीं कह पाएंगे कि प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर, समझ में। चले, फिर भी लोग जब भी टू वाले को देखते हैं तो फ्यूचर की तरफ अंदाज़ा लगा लेते हैं, मैं वो भी समझा दूंगा आपको। एक और देख लेते हैं, जैसे कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कई बार न्यूज़पेपर में ऐसे लिखा रहेगा, मान लो ऐसे लिखा होगा कि पुलिस टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, अगर इतना लिखा रहेगा तो यहाँ पर पुलिस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, पता ही नहीं चल रहा कि प्रेजेंट या पास्ट है, और यहाँ पर ऐसे टू अरेस्ट लिखा रहेगा, तो अब टू अरेस्ट को देखकर इंसान ये समझ लेता है कि अच्छा अभी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, अरेस्ट करेगी, तो फ्यूचर का अंदाज़ा भी लगा लेता। मैं आपको बड़ी डिटेल्ड बातें बता रहा हूँ न्यूज़पेपर से रिलेटेड। सो गाइज, आपने देख लिया कि टू बी के साथ स्टेट ऑफ बीइंग भी लग गया, आईएनजी भी लग गया। अब टू बी के साथ आपको कई बार वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखाई दे सकता है, जैसे ऐसा लिखा रहा है कि टू बी परचेज्ड, अगर ऐसे लिखा रहे तो इसका भी मतलब आपको समझना होगा कि टू बी परचेज्ड का मतलब, अब इसको देखकर तो पता नहीं चलेगा बट ज़्यादातर इसका फ्यूचर में अंदाज़ा लगाया जाता है। कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि दिस कार इज टू बी परचेज, अब इस देख कर के प्रेजेंट लग रहा है, लेकिन ये टू बी परचेज का मतलब है कि ये कार अभी भी खरीदे जाने को है, यानी कि खरीदा नहीं गया है, समझ में आ रहा है। तो मैं आपको सिर्फ टू बी को ही समझा रहा था,
मैं फिर से यहाँ पर लिख दूँ कि ये जो टू बी है, ये टू बी कई काम करेगा, एक साथ लिख देता हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग के साथ आएगा, यही टू बी आपका वर्ब लेकर आएगा, उसमें आईएनजी लगा होगा, और यही टू बी जो आपका है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये तीन चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिखाई देने ही वाला है, ओके। अगर बी है तो ऐसे कर दें, हाँ अगर बी है तो बी तीन चीज़ें रखता अपने साथ। चलिए हम फाउंड के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं फिर से लिख दूँ कि अगर मैं बोलूँ कि ही वॉज फाउंड टू बी ड्रिंकिंग, यानी कि उसको पीता हुआ देखा गया, पीता हुआ पाया गया, ओके फाइन। दोज पीपल वर फाउंड टू बी स्मोकिंग, ओके, इनके उन लोगों को सिगरेट पीता हुआ पाया गया या देखा गया। क्लियर है? कंप्लीट हो गया। एक ही चीज़ पे इतना लेक्चर देना इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा डिटेल में समझ पाए जाए, देखिए टू बी इतना कंफ्यूज करते हैं आप, क्या बताओ। एक वर्ड था उसके अंदर घेराव, घेराव एक ऐसा शब्द है, देखने में तो हिंदी जैसा ही लग रहा है बट ये इंग्लिश है। घेराव का मतलब है घेराबंदी करना, घेर लेना, जैसे कि दे अगर बोलूँ कि घेराव मी, यानी कि उन्होंने मुझे घेर लिया। यहाँ पर ये कंप्यूटर भी ढंग से इसको नहीं बता पा रहा है, बट ये ऐसा वर्ड होता है, ढूंढ लीजिएगा एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, दे घेराउड मी, उन्होंने मुझे घेर लिया। अगर मैं बोलूँ कि सम पीपल घेराउड द MLA, यानी कुछ लोगों ने MLA को घेर लिया, तो ये घेराव ऐसा वर्ड। कई बार आपको पता ही होगा कि जैसे एक वर्ड बोल दूँ मैं, लूट कह दूँ, तो लूट हिंदी भी है और लूट इंग्लिश भी, आप कह सकते कि ही लूटेड मी, उसने मुझे लूट लिया, ही लूटेड मी, ओके। एक वर्ड है ठग, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, उसने मुझे ठग लिया, ही ठग्ड मी। अब आप माने ना माने बट ये सब है, क्योंकि ओके यहाँ दिख नहीं रहा है, ही ठग्ड मी, जो भी है। कई बार ना कंप्यूटर नहीं बताता है ऐसी चीज़ें, बट लूट तो आपने सुना ही होगा, जैसे जंगल हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ओके, आई वॉज इन द जंगल, आप कह सकते हैं। ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। एनीवेज आगे देखते हैं, अगला वहाँ पर एक सीम था, तो सीम का मतलब वही है, प्रतीत होना। मैं हमेशा सीम इट के साथ पहले शुरू होता है, जैसे कि ऐसा लगता है तो इट सीम्स, ओके, ऐसा लगता था तो इट सीम्ड, आप यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट कर सकते बट आप कंटिन्यूस नहीं लगा सकते। अब इसके बाद आप सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि वो पागल है, तो इट सीम्स दैट ही इज मैड, आप आराम से ऐसा बोल सकते हैं। तो इट सीम्स, आपने पहले इट सीम्स बोला, ठीक है, आपने एक दैट से सेंटेंस को जोड़ दिया, दैट एक बीच में कनेक्टेड जैसा लगाया, और फिर एक और सेंटेंस बोल दिया ही इज मैड, ऐसे बोल दिया, बीच में दैट लगा दिया, दैट से जोड़ दिया, तो ये भी बहुत अच्छा चलता है कि इट सीम्स, ऐसा लगता है कि वो पागल है। इसी को अच्छे लेवल पे हम डायरेक्ट, ये जो ही पागल है ना, ही नाम का व्यक्ति पागल, हम ही को ही उठा लेते हैं, हमने बोला ही में ही लगा देते हैं सीम, ही सीम्स, फिर वहाँ पर टू बी, ही सीम्स टू बी मैड, यहाँ बी के बाद देख रहे स्टेट ऑफ बीइंग आ गया, ही सीम्स टू बी मैड, यानी कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो पागल है, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ही, जैसे मैं ऐसे बोल दूँ कि इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट ही इज क्राइंग, ऐसा लगता है कि वो रो रहा है, इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट ही इज क्राइम, इसको अच्छे लेवल पे कर दे कि ही सीम्स टू बी क्राइम, उसको देखकर लग रहा था कि वो रो रहा था, तब भी आप ऐसे बस यहाँ कर दीजिए, ही सीम्ड टू बी क्राइम, आपको टू बी क्राइम को नहीं बदलना है, इधर वाले को पास्ट कर देंगे तो सब सारी फीलिंग पास्ट किया जाएगी, उसको देख कर लग रहा था कि वो रो रहा था। क्लियर है? चलो, और सीम में तो बहुत टू बी है, टू हैव भी लगता है, बहुत कुछ। अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिमांड दैट, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, ये आपको आना चाहिए। होता क्या है, जैसे कि मैं बोलूँ कि वो चाहता है, ही डिमांड्स, और इसके बाद दैट लगे, ही डिमांड्स दैट, वो चाहता है कि, अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसका बेटा
उसका बेटा जिम जाए, तो ही डिमांड्स दैट हिज सन, अब जाए, उसके बाद आपको सीधा बेस फॉर्म लगाना है। बेस फॉर्म का मतलब कि उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, गो है तो गो होगा, आप गोज नहीं कर सकते। ही डिमांड्स दैट हिज सन गो टू जिम, गो टू जिम। अब यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हिज सन गो, उनको लगता है कि सन के साथ गो, ये तो गोज होना चाहिए, उनको ऐसा लगने लगता है अंदर से। लेकिन यहाँ पर कोई सन की रूटीन नहीं बताई जा रही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है कि आप गो का गोज कर देंगे। अगर मैं बोलूँ कि हिज सन गोज टू जिम, यानी कि उसका बेटा जिम जाता है, ये तो रूटीन हो गई। यहाँ पर वो रूटीन नहीं है, उसका बेटा जिम जाता ही नहीं है, ये तो वो डिमांड करता है, ये तो उस बंदे की डिमांड है कि उसका बेटा जिम जाए। इन जगहों पर हमें इस्तेमाल करना होता है किसका, बेस फॉर्म का। ओके फाइन गाइस, सो ही डिमांड्स दैट हिज सन गो टू जिम, यानी कि गो टू जिम का मतलब है कि जिम अभी गया नहीं है, वो चाहता है कि जिम जाए। ओके जैसे मैं बोल दूँ कि आई डिमांड, मैं डिमांड करता हूँ दैट, ओके मेरा बेटा, इंग्लिश में बात कर, आई डिमांड दैट माई सन, अब मुझे स्पीक बोलना है तो मैं स्पीक्स नहीं कर सकता, यानी कि ये बेस होना चाहिए, माई सन स्पीक इन इंग्लिश। तो कहने का मतलब है, मेन फोकस क्या था कि ये डिमांड दैट जब भी आएगा, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा बॉस, वो वर्ब आपका बेस फॉर्म होना चाहिए, वो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब स्पीक का ना तो स्पीक्स होगा, ना स्पीकिंग होगा, ना स्पोक होगा, ना स्पोकन होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। बेस बिल्कुल जिस फॉर्म में पैदा हुआ था उसी फॉर्म में रहेगा, बेस में रहेगा, ये फर्क है। और यहाँ जो शब्द डिमांड है, ये डिमांड ही नहीं, इसकी जगह कई होते हैं, प्रेजेंट सबजेंसी मोड पर मेरा वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पर डिमांड की जगह सजेस्ट भी हो सकता है, सजेस्ट हो सकता है, रेकमेंड हो सकता है, रेकमेंड क्या हो गया, स्पेलिंग रेकमेंड, हाँ रेकमेंड, सजेस्ट है, रेकमेंड है, इसकी जगह वांट हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो हो सकते हैं। ये आपका हो गया फाइनल, चलिए आगे देखते हैं, कंप्लीट करते हैं प्रॉपर। चलिए एक आपका है फैमिलियर विद, ये भी था, फैमिलियर विद का मतलब क्या होता है, अगर आपने बोला कि आई एम फैमिलियर विद, आई एम फैमिलियर विद विद दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो कोई चीज़ है, इस चीज़ से आप भली भांति परिचित हैं, आप फैमिलियर हैं, फैमिलियर का मतलब कि आपको पहले से पता है, आप फैमिलियर हैं, आप परिचित हैं इससे, यू नो, इट मीन्स यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस एक्टिविटी, तब आप कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि शी इज नॉट फैमिलियर, शी इज़ नॉट फैमिलियर विद 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 दिस with this environment, this work, with this work, environment कह दीजिए, इस तरह के माहौल से familiar नहीं है, भली बात ही परिचित नहीं, तो familiar with means you know about it, बस ये है, तो वो छोटा सा, इसमें कुछ कहने लायक तो है। ओके कोई भी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि आप पहले से उसे जानते हैं, तो familiar with लगा सकते हैं, familiar with blah 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 blah। यहाँ एक help के साथ confusion होती है लोगों को, जैसे कि मैं बोलूँ कि उसने मेरी खाना पकाने में मदद की, ओके तो ही हेल्प्ड मी, अब हेल्प्ड मी के बाद क्या होगा, ही हेल्प्ड मी, इस मी के बाद या हिम के बाद डायरेक्ट वी वन आएगा, यानी कि बिल्कुल बेस वाला आएगा, बदलेगा नहीं, तो ही हेल्प्ड मी कुक फूड, ये होता है। तो यहाँ पर मेन सिखाने का मतलब है कि जब भी हेल्प्ड आएगा तो उसमें आपको इस हेल्प्ड के बाद जो भी मी होगा, हिम होगा, हर होगा, इसके बाद जो वर्ब है वो वर्ब बदलेगा, आप यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, हालांकि लगाने को लगा सकते हैं बट ज़्यादातर नहीं लगाएंगे। अगर आपने ऐसे बोल दिया, अगर आपने ऐसे बोल दिया कि ही हेल्प्ड मी टू कुक फूड, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत कम चलता है आजकल, चाहे कोई अंग्रेज़ अंग्रेज़ी बोले या अच्छे लेवल पर आप देखेंगे तो टू नहीं लिखा होगा, ये बिल्कुल मैं गारंटीड आपको बता रहा हूँ। ओके जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि एक्सक्यूज़ मी, Could you help me lift this weight? इसका मतलब क्या है? Could you help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या करने में, इस वजन को उठाने में? तो to lift नहीं मैंने बोला, मैंने सिर्फ lift बोला।
प्रॉपर से बोलना। तो ये सिखाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ज़्यादातर बिना टू वाला चल रहा है, यानी कि बिल्कुल बेयर इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं, बेस फॉर्म कह लीजिए आप, कहने की वही जरूरत। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया और खूब इस्तेमाल होता है इसको कर लीजिए इसमें। आई हेल्प हर गो टू मार्केट, मार्केट जाने मैंने मदद की। आई हेल्प हर वॉश क्लोथ्स, मैंने कपड़े धोने के लिए इसकी मदद की ऐसे। अगला है सेट टू बी। सेट टू बी क्या होता है? ये भी वही टू बी का ही फॉर्म है। मैं बोलूँ कि ये जो प्लेस है, कहा जाता है कि बहुत ही अच्छी जगह है, तो मैं पहले बोलूँगा कि दिस प्लेस, फिर मैं लगाऊँगा इज, फिर लगाऊँगा सेड, उसके बाद टू बी, और बी के बाद हमें स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना है। तो दिस प्लेस इज सेट टू बी गुड, अच्छा कहा जाता है, सेट टू बी जो भी इसका आप आगे बताएं, पवित्र, पावन, सैक्रेड, जो भी बोलें। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि वो जो बंदा है ना, ही इज सेट टू बी नोटोरियस क्रिमिनल। तो मैंने यहाँ पर बी के बाद एक लगा दिया नोटोरियस क्रिमिनल, यानी कि एकदम कुख्यात जो क्रिमिनल है ना, उसको ऐसा कहा जाता है। तो ही इज सेट टू बी अ नोटोरियस क्रिमिनल का मतलब है कि उस ऐसा कहा जाता है कि वो एक नोटोरियस क्रिमिनल है। अगर मैं इसको तोड़ूँ तो ऐसे बनता है कि इट इज सेट दैट ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल। तो इतना ना बोल करके, दो टुकड़े ना करके हमने छोटा कर दिया, छोटा करके हमने ही को पहले उठा लिया। ओके, जिसे ऐसा कहा जाता है कि वो जो लड़की है ना, बहुत झगड़ालू है। तो मैं कैसे बोलूँगा? या तो मैं ऐसे बोलूँ, इट इज सेड दैट शी इज, या दैट लेडी इज झगड़ालू, यानी कि पगनेशियस। या मैं डायरेक्ट बोल दूँ कि शी इज सेड टू बी पगनेशियस, क्या दिक्कत है? तो ये है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा है कि दोज हु, ये क्या है? दोज हु, इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि वे लोग जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उन्हें घर पर स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर मैं से, तो मैं डायरेक्ट दोज से बोलूँगा कि दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश। देख लें, दोज हु के बाद मैंने क्या लगाया? हु के बाद डायरेक्ट मैंने, चूंकि ये दोज प्लूरल है, तो मैंने यहाँ पर एक प्लूरल वर्ब लगा दिया। मैंने वांट्स नहीं बोला, वांट बोला, क्योंकि वांट्स एक के लिए होता है, यहाँ पर वांट मैंने बोला। तो ये दोज हु का इस्तेमाल है। आप शुरुआत ही ऐसे करेंगे कि जो लोग, हिंदी में कैसे बोलेंगे आप कि जो लोग, अब जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग, दो से तो ज़्यादा लोग। तो जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश शुड, फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट फिर दोबारा उनका नाम नहीं लेंगे। Those who want to learn English, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उन्हें घर पर स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उन्हें के लिए आप दोबारा दे नहीं लगा सकते कि दे शुड, आप डायरेक्ट बोल दो शुड उनको स्टोरी टेलिंग पर काम करना चाहिए। शुड वर्क ऑन देयर स्टोरी टेलिंग, अपनी स्टोरी टेलिंग पर काम करना चाहिए। देखिए, एक ही लाइन में हो गया, Those who want to learn English should। अब ये should किसके लिए आया? ये शुड आया है इन्हीं दोज के लिए कि वे लोग जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उन्हें ही शुड वर्क ऑन देयर स्टोरी टेलिंग, उन्हें स्टोरी टेलिंग पर काम करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए ऐसे बोलेंगे, मान लीजिए आपने बोला कि दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश, फिर आपको लगा कि यार फिर मैं थोड़ा दे लगा देता हूँ कि दे शुड, क्योंकि शुड बेचारा अकेला लग रहा, आपको ऐसा लग सकता है कि दे शुड वर्क ऑन देयर स्टोरी टेलिंग, तो ये बॉस गलत हो जाएगा। आप दोबारा दे नहीं लगा सकते, आप इस फ्लो को नहीं तोड़ सकते, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, इस इज रॉन्ग। ओके, तो ऐसा ना बोल, एक ही फ्लो में आपको बोलना है। तो कैसे बोलना है? जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, वो जो लोग मुझसे नफरत करते, छोटा से कर लेते हैं, दोज हु हेट मी। आगे आप कुछ जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं कि जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मुझसे मिले, दोज हु हेट मी
कैन मीट यू, तुम उनसे मिल सकते हैं। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ जोड़ना है। मैं अभी जोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दिमाग में कुछ ऐसे सेंटेंस नहीं आ रहा, ऐसे कि जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट करें, ये हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि दोस्त, यहाँ भी ऐसे लगा, ये लगा दूंगा। मैं यहाँ भी कह सकता हूँ कि दोस्त who want to learn English can contact me, okay? जो लोग कानून का पालन करते हैं वो अच्छे हैं। अब सेंटेंसेस आप खुद सोच लीजिएगा, मैं बस अभी ऑन द स्पॉट ऐसे बुला रहा हूँ कि those who abide by the law आर गुड, वो अच्छे हैं, बस हो गया। तो मैं इस माध्यम से बस ये समझाना चाह रहा था कि सेंटेंस में ये जो आर है ना, इस आर के बगल में अलग से हमें दे नहीं लगाना, ये एक ही हो गया। क्लियर है गाइस? चलो आगे देखिए जी। कई बार ना ऑन द स्पॉट एग्जांपल्स मिलते नहीं गए, और ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट चल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं पहले से एग्जांपल लिख के बैठा हुआ हूँ, ये तो ऑन द स्पॉट चल रहा है, लाइव, एक तरीके से लाइव ही कह लीजिए, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर मैं एडिट करूँगा, लेकिन ये प्री प्लान नहीं है, ये बस ऑन द स्पॉट ही चल रहा है। तो थ्रू विच का इस्तेमाल क्या होता है? थ्रू विच आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, थ्रू विच का मतलब है कि जिस माध्यम से। अगर मैं बोलूँ कि दिस इज द विंडो, ये वो खिड़की है थ्रू विच ही came inside, तो इसका मतलब क्या है कि this is the window, ये वही खिड़की है जिससे होकर के, through which का मतलब है जिससे होकर के he came inside, वो अंदर आया। okay? Fine. मैं बोलूँ कि the forest through which those criminals came is very dense। इसका क्या मतलब कि the forest, वो जंगल through which, जिससे होकर those criminals came, वो criminal आए, is very dense। ये is किसके लिए आया? Is forest के लिए आया। तो वो जो forest है बहुत ही dense है, बहुत ही घना है। okay? तो ऐसे बोल सकते हैं through which the hole through which he saw everything, who saw everything should be closed, यानी कि वो होल जिससे उसने सब कुछ देखा उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। तो through which का मतलब है जिससे होकर, okay? जिससे होकर। Fine guys, चलिए आगे देखें। Soon after क्या होता है? मैं बोलूँ कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद, एक्सीडेंट के तुरंत बाद ड्राइवर वहाँ से भाग गया, ड्राइवर फ्लेड द स्पॉट से भाग गया। फ्लेड के बाद कोई फ्रॉम नहीं लगता है, ओके? सून आफ्टर का मतलब तुरंत बाद, यानी कि soon after the birthday bash, यानी कि बर्थडे पार्टी के तुरंत बाद आई केम बैक टू माई होम, मैं अपने घर वापस आ गया। सिंपल, ओके? सून आफ्टर द इंसिडेंट के तुरंत बाद पुलिस केम, पुलिस आ गई। इतने एग्जाम्पल्स काफी होंगे। सून आफ्टर तुरंत बाद, सून आफ्टर की जगह राइट आफ्टर भी कहा जाता है। ओके, चलिए गाइस आगे देखें। यहाँ शोर बहुत है, कभी कोई कबाड़ी वाला, कभी कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुजरता ही रहता है यहाँ से। एनीवेज, एज टू व्हाट क्या होता है? एज टू व्हाट थोड़ा मुश्किल तो है, कई जगह लिखा होता है एज टू व्हाट, लाइक आई वांट टू नो
I want to know as to what he was thinking. अगर मैं ऐसे बोलता I want to know as to what he was thinking. कुछ समझ में आया इसका मतलब क्या है? I want to know का तो मतलब हो गया कि मैं जानना चाहता हूँ. तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्या जानना चाहता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ as to what he was thinking, यानी कि मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ जो वो सोच रहा था. As to what का मतलब है about what, यानी कि उस बारे में. About what, about मतलब बारे में, what मतलब वो चीज़, यानी कि I want to know as to what he was thinking. जैसे you should tell me as to what she was doing with that what. अब इसका मतलब बताइए. You should tell me, तुम्हें मुझे बताना चाहिए. किस बारे में बताना चाहिए? As to what she was doing with that boy, उस बारे में बताना चाहिए जो उस लड़के के साथ कर रही थी. What she was doing का मतलब जो वो कर रही थी with that boy, उस लड़के के साथ. As to का मतलब कि about. तो ये तो बहुत ही फॉर्मल है, स्पोकन में तो बहुत कम इस्तेमाल है इसका. तो आप बोल सकते, हालांकि इस्तेमाल स्पोकन में भी मैंने सुना है. यू शुड टेल मी एज टू वॉट. ओके, वॉट की जगह वेयर लगा के देखें. ओके, आई वॉन्ट टू नो एज टू वेयर दे लिव. इसका मतलब आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ एज टू वेयर. आई वॉन्ट टू नो अबाउट, मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं. तो इस तरीके से मतलब मैं अपने एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, हालांकि आप न्यूज़पेपर में एक बार देख लीजिएगा किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं. ओके, तब आपके समझ में आएगा. अगर ये अभी समझ में नहीं भी आया होगा तो इस पर मेरा एक वीडियो है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने न्यूज़पेपर से उठा के दिए हुए, वो देख लीजिएगा. अभी मुझे ना एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर वाले याद नहीं आ रहे, ये तो अपने मन से मैंने बना दिया है. तो एज टू को आप अबाउट वर्ड मान लीजिएगा, ये वाली फीलिंग ये देता है. About what, यानी कि बराबर हो गया as to what, समझ में आ गया. as to what दोनों बराबर. चलिए अगला है, not only but also. ठीक है, तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं हो बल्कि पार्टनर भी. कैसे हो? You are not only, you are not only my friend but also a partner. अब आपको करना क्या है, आपको ध्यान देना है कि जो आप not only पे बोलेंगे, not only के बाद एक डायलॉग आएगा, फिर जो but also आएगा उसके बाद भी एक डायलॉग आएगा. अब दिक्कत यह है कि अगर not only के बाद आपने कोई चीज़ बोला है, कोई वर्ड ऐसा बोला है जो कि जैसे फ्रेंड बोल दिया आपने, तो फ्रेंड क्या है? एक नाउन है. तो but also के बाद कोई वर्ब नहीं आ सकता. अगर इधर नाउन है तो उधर भी नाउन होगा, इधर वर्ब है तो उधर वर्ब होगा. कहने का ये मतलब, जैसे ओके मैं बोलूँ कि यू नॉट ओनली इंसल्टेड मी. अब यहाँ पर नॉट ओनली के बाद मैंने इंसल्टेड बोला, यानी कि एक वर्ब हो गया. तो अब मेरी मजबूरी है कि बट ऑल्सो के बाद भी मुझे वर्ब ही बोलना पड़ेगा. यू नॉट ओनली इंसल्टेड मी बट ऑल्सो चीटेड मी. अब देख लीजिए, तो बट ऑल्सो के बाद भी मैंने वर्ब ही बोला है. हम वहाँ पर ऐसे ही बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इंसल्टेड एक वर्ब है और यहाँ पर मैं फ्रेंड लिख दूँ या एनिमी लिख दूँ, तो तुम सिर्फ मुझे, तुमने इंसल्ट ही नहीं किया बल्कि मेरे दुश्मन भी हो, ऐसा नहीं बोल सकते. नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होगा, नाउन है तो नाउन. ओके फाइन, वो सिर्फ मेरे लिए खाना ही नहीं पकाता है बल्कि मेरी मदद भी करता है. तो कैसे हो? ही नॉट ओनली कुक्स फूड फॉर मी बट ऑल्सो हेल्प्स मी. देख लीजिए, नॉट ओनली के बाद हमारा वर्ब है कुक्स, तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब है हेल्प्स. सिंपल. ओके, इस पर भी मेरा अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा. लास्ट गैस, आई थिंक लास्ट है, या लास्ट है गैस, खत्म करते हैं. ओके देखिए, ये है आपका
इट इज के बाद फिर हु करके, कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलूँ कि इट इज इट इज इट इज ही हु हैज इंसल्टेड यू, ये तो वो है, ये वही है जिसने तुम्हारी इंसल्ट की, इट इज हु। तो हम वो जो ही नाम का व्यक्ति है, जो ही नाम का व्यक्ति है उस पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ओके इट इज ही, ये वही है, ये वही बंदा है हु हैज इंसल्टेड यू, जिसने तेरी इंसल्ट की, ओके जैसे कि मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई जिसने तेरी मदद की है, इट इज़ आई हु। अब दिक्कत यह है कि अगर मैं यहाँ पर आई बोलता हूँ, इट इज़ आई हु, तो फिर हु के बाद हमेशा आपका मन करेगा कि इट इज़ हु, इट इज़ आई हु हैज़ लगा दूँ, मतलब आपका थर्ड पर्सन के वर्ब की तरफ मन करेगा, बट वो नहीं करना है। आई के साथ क्या लगता है, हैव लगाएंगे, इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू, मैंने ही तेरी मदद की है, हु हैव हेल्प्ड यू, ओके इट इज़ आई अब कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये तो मैं ही हूँ जो इस काम को कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि इट इज़ आई हु इज़ डूइंग दिस वर्क, हु इज़ डूइंग दिस वर्क, आपको लगे ये सही है बट ये गलत है, ग्रामर के हिसाब से गलत है। ग्रामर कहता है कि ये आई के साथ हम इज़ नहीं लगा सकते, आप अगर आई कह रहे हो तो आई के साथ इज़ नहीं लगता है, आई के साथ तो एम लगता है, तो ये ऐसा होना चाहिए कि इट इज़ आई हु एम डूइंग दिस वर्क। अब बताओ अंग्रेजी बोलने में कौन ऐसा बोलेगा, इंग्लिश में कोई ऐसा बोलेगा, ये करेक्ट है आपका, लेकिन कोई बोलता नहीं है कि इट इज़ आई हु एम, हु एम कभी आपने सुना है ढंग से, हु एम हमेशा हु के बाद इट सुना होगा, हैज सुना होगा, मतलब एम नहीं सुना होगा, बट यही करेक्ट। तो इसलिए आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें, नहीं ना चाहें तो ना करें, बता दिया मैंने, आई वाला चाहे तो ना करें, बाकी तो आप कर सकते हैं कि इट इज ही, ओके इट इज शी हु गॉट यू बीटन, ये वही है जिसने तेरे को पिटवाया था, इट इज शी, ऐसे तो देखिए इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको करा दिया है। तो अब क्या है कि इसका मैं PDF बना देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर डाल देता हूँ और आप ये वीडियो तो देख ही रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट।